वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और एक रिएक्शन है क्लेजन रिएक्शन, फिर क्लेजन कंडेंसेशन आता है, जॉनसन क्लेजन आता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आपको हीट अप्लाई करना है, इतना याद रख लो। किसने दिया था ये? राइनर लुडविक क्लेजन ने 1912 में दिया था। 1912 में ये रिएक्शन दिया था किसने? राइनर लुडविक क्लेजन ने। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस। तो प्रिंसिपल लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो ये मेरा बेंजीन है, ऊपर अगर OH होता तो मैं फिनोल लिख देता, लेकिन यहाँ पर CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ स्टार्टिंग मटेरियल होता है यहाँ पर। तो पहले तो इसका नाम लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, मतलब ROR ईथर फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे देते हैं? तो ये देखो हमारा क्या है, फिनाइल। फिर ये ग्रुप कौन सा है? CH2CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइल, ठीक है। तो ये हमारा एलाइल फिनाइल ईथर है। क्या है ये? एलाइल फिनाइल ईथर, या फिर कोई इसको फिनाइल की जगह पे एराइल लिख देता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एराइल एलाइल ईथर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एलाइल फिनाइल ईथर को सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, हीट करना है। 200 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको जैसे हीट करोगे तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा? देखो यहां ऑर्थो पोजिशन में, देखो यहाँ पांच कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। कैसे बन रहा है वो तो हमें मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, अभी यहां पर ये पूरा ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। क्या ग्रुप है हमारा? ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन रही है। इसको अभी नाम क्या देंगे? ये तो हमारा फिनोल है, फिनोल की सेकेंड पोजिशन पर ये ग्रुप है एलाइल, तो इसको नाम दे दो 2 एलाइल फिनोल, ठीक है, या फिर ऑर्थो एलाइल फिनोल। अब देखो यहां पर जैसे हम इसको हीट करते हैं तो एक सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, और वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है 3-3। क्या है ये? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है ये भी समझ लेंगे हम। अब हमें प्रिंसिपल लिखना है, तो यहां पर मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, क्या किया हमने और क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो हमने हीट किया एलाइल फिनाइल ईथर को, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होने के बाद 2 एलाइल फिनॉल प्रोडक्ट बन गया। यहां पर 4 एलाइल मतलब पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, वो कब बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो लिख देता हूं मैं, हीटिंग ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर विल इनिशिएट ए 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टू गिव ऑर्थो एलाइल फिनॉल इज नॉन एज व्हाट? क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, ओके। अभी यहां पर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक हमने लिखा, तो दिस वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। और एक बात देखो, यहाँ पर ये ग्रुप इसी मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है या फिर इंटर मॉलिक्यूलर, दो अलग अलग होते तो हम बोलते हैं इंटर, ये एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये कौन सा है? दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर
रीअरेंजमेंट। अब समझ लेते हैं ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक क्या है। ये आप पेरिसाइक्लिक में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक है, तो सिग्मा ट्रॉपिक का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई सिस्टम, मतलब वो पाई सिस्टम में शिफ्ट होगा। तो देखो, मान लो ऐसी कोई सिस्टम है मेरे पास, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको नंबरिंग पहले कैसे देते हैं, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ऐसे नंबरिंग देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1। तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में दे देगा, फिर इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आर को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ये CH2, फिर जहाँ सिंगल था वहाँ डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 और ये R ग्रुप। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, 1-1 बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर ये 3 और 1 को जोड़ दिया। तो जिसको हम जोड़ रहे हैं वो सिग्मा ट्रॉपिक लिखना है, तो यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ा हमने, तो इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आप बोलोगे कि ये तो दोनों ही सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट होता, जैसे कि मान लो यहाँ पर R ग्रुप है, ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ही प्रोडक्ट अलग है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मान लो कुछ ऐसा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ R ग्रुप है, फिर से नंबरिंग दे दो इसको 1, ये 1 2 3 4 5, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, 1 और 5 के बीच, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। बाकी जोड़ दो, ये CH2, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये CH2 इसके साथ जोड़ दो R को, तो ये हो गया हमारा 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, देखो ये ऑक्सीजन फिर कार्बन, मतलब ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन को मैं नंबर 1 दे दूं, इसको 2 और इसको 3, इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, क्या करना है आपको, 1-1 बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान से देखना, मैं इसको ब्रेक करूंगा और 3-3 बॉन्ड, 3-3 के बीच बॉन्ड बनेगा। कैसे, तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन या पास में दे देगा, मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बना, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, फिर कार्बन यहाँ पास में दे देगा, तो ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। शॉर्ट में इतना समझ लो, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, 1-1 बॉन्ड ब्रेक होगा और 3-3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, अब डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो था वो ईथर था, लेकिन यहाँ पर कौन सा बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो 3-3 के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोल देंगे। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो कुछ ऐसा है, तो ये 1 2 3 1 2 3, 1-1 के बीच बॉन्ड ब्रेक कर दो, 3-3 के बीच नया बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पर मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, यह तो SH रहेगा, यहाँ पर CD3 रहेगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ सिंगल बन गया, ये डबल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का ये एग्जाम्पल है। सो सिग्मा ट्रॉपिक मीन्स शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू एंड ऑफ द पाई सिस्टम, मतलब पाई सिस्टम जहाँ पर है उसके एंड में शिफ्ट हो रहा है। तो दिस वॉज
फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट। फिर से एक बार, ये आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में डिटेल में पढ़ोगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मैकेनिज्म लिखना है हमें, कैसे बन रहा है। ठीक है, एकदम ही सिंपल मैकेनिज्म है। ये ओ सी एच टू, फिर ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। कौन सा एग्जांपल है ये? 3-3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट, मतलब ये ऑक्सीजन को नंबर 1, इसको 2 और इसको 3, ये 1, 2 और 3। क्या करना है हमें? 1-1 के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां से 3-3 के बीच नया बॉन्ड बनाना है। कैसे बनेगा? तो देखो, जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं 200 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा? पहले तो ये एज सच रहेगा, जहां पर ऑक्सीजन है वो तो एज इट इज रहेगा, यहां पर CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ था। मैंने क्या बोला? डबल है वहां सिंगल हो जाएगा, डबल है वहां सिंगल हो जाएगा, सिंगल है वहां पर डबल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 1-1 बॉन्ड ब्रेक होगा और 3-3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, पहले एक बॉन्ड था, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लियर। यहां सिंगल बॉन्ड था, वहां पर नया बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड था, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 3-3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल था वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा कुछ, बॉन्ड एक जगह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दूसरी जगह पर बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो है ये अनस्टेबल होगा, और इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हो रहा है। तो अब मैं लिख रहा हूं क्या बनेगा, आपको पता ही है क्या करना है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बना दो। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर माइग्रेट होंगे, तो जैसे ही यहां नेगेटिव चार्ज आया ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ऐसा। यहां पर CH2, फिर ये CH, और यहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड बन गया। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो, देखना क्या आपको, पहले जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था वो एरोमेटिक था, लेकिन अब जो बना वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या कर सकता है, सोचो जरा। हाँ, एक डबल बॉन्ड बनाना है तीसरा, जैसे तीसरा डबल बॉन्ड बन जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा और वो फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजीली 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? हाँ, सही सोच रहे हो आप, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हाइड्रोजन यहां पर होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन ले लेगा तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर नेगेटिव, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में दे देगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये डबल बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो एच प्लस निकला इसके साथ डायरेक्टली जुड़ गया। तो यहां पर एक प्रोटॉन ट्रांसफर भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टोटोमेरिज्म, क्लियर है। और ऑर्थो के ऊपर क्या लग जाएगा? ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। तो इसी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्थो एलाइल फिनॉल, क्लियर है। अब ये मैं निकाल देता हूं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब और एक बात, मैंने बताया था कि पैरा प्रोडक्ट भी बन सकती है, तो पैरा प्रोडक्ट कब बनेगी? जब दोनों ही ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक है तब पैरा पोजिशन बनेगी, पैरा प्रोडक्ट बनेगी। मान लो एक ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक है, दूसरी जगह खाली है, तब भी रिएक्शन ऑर्थो पे ही जाएगा, ठीक है। तो इफ वन ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक, रिएक्शन विल अकर एट अनदर ऑर्थो पोजिशन, बट इफ
बोथ दी ऑर्थो पोजिशंस आर ब्लॉक्ड, रिएक्शन विल अकर एट पेरा पोजिशन बाय टू सक्सेसिव एलाइल शिफ्ट। तो देखो यहाँ पर और एक बात है, ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तो आया लेकिन चेंज क्या हुआ, देखो ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन है लास्ट में ऐसे ही पड़ा है, तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ आइसोटोप से 14 कार्बन से। ये जो स्टार वाला है ये क्या है, 14 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, दोनों ही ऑर्थो ब्लॉक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो टोटोमराइजेशन हो नहीं सकता, ये अपनी एरोमेटिसिटी फिर से गेन नहीं कर सकता है, तो रिएक्शन ऑर्थो में नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, जैसे हम इसको हीट करेंगे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, डायरेक्टली दिखा दो, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 1 1 के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और देखते जाओ आप, एज सच यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये CH3 एज इट इज, ये CH3 भी एज इट इज। यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बना, तो ये CH2, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। तो ये जो CH2 था ये हमारा स्टार था, तो ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो हमारा 14 कार्बन है। उसके बाद CH और CH2, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये प्रोडक्ट बना। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये पास में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, तो ये एक बार एलाइल शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बार एलाइल शिफ्ट होगा कैसे, तो ये नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये 1 2 और 3, ठीक है। इसको मैं कुछ अच्छी तरह से लिख देता हूँ समझने के लिए, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा स्टार वाला है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनी, यहाँ पर CH2 मान लो था तो ये वो CH2 हमारा स्टार वाला, मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन था लास्ट में ये यहाँ डायरेक्टली अटैच हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे ये पहले अटैच होता है फिर से 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, 1 2 3, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास में दे देगा, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइग्रेट हो गए, क्लियर है। तो देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर CH3 एज इट इज, यहाँ पर कीटोन एज इट इज, यहाँ पर CH3 एज इट इज, ये जो था डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, अभी इसके साथ क्या अटैच है, ये अटैच था लेकिन वो तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, अभी ये कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, ये CH2, फिर डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो था स्टार वाला ये तो अब लास्ट में आ गया। मतलब देखो स्टार्टिंग में जहाँ CH2 था वहीं पर CH2 ये है 14 कार्बन वाला लेबल। अब क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी फिर से गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में देगा, तो ये दो कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के ऊपर माइग्रेट हो जाएंगे, फिर ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या है, टोटोमराइजेशन, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। तो आफ्टर टू सक्सेसिव एलाइल शिफ्ट वी आर गेटिंग पैरा प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब दोनों ही ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक है, क्लियर है। तो अब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मैकेनिज्म के बाद, अब कुछ एप्लीकेशंस और लिख लेते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन लिखना है, देखो ये पहला मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जहाँ पर एक ऑर्थो पोजिशन पहले से ब्लॉक है, तो ये ओ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये एलाइल फिनाइल ईथर हो गया, ये एज इट इज रहेगा। बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, ये 1 2 3, इसको ऐसे लिख देते अच्छे से, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दो 1 2 3, और ये 1 2 3, क्या करना है 1 1 के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दो, 3 3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये OCH3 भी एज इट इज, यहाँ पर OH बनेगा और ऑर्थो के ऊपर एलाइल ग्रुप आ जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। चलो दूसरा एक ले लेते हैं एग्जांपल, ये O CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं दोनों ही मिथाइल ले लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ये 1 1 ब्रेक होगा, 1 2 3 1 2 3, जोड़ दो डायरेक्ट, कंडीशन सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, फिर ऑर्थो पोजिशन के ऊपर एलाइल ग्रुप, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और ये CH3, क्लियर है। और एक एप्लीकेशन ले लेते हैं नंबर 3, मान लो कुछ ऐसा दे दिया आपको, तो ये 1 2 और 3 एलाइल, ये 1 2 3, क्या करना है आपको, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जब इसको हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा 1 1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये 4 कार्बन एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ये कार्बन को, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 4 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 3 कार्बन यहाँ 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल था वहाँ डबल, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। और एक एप्लीकेशन ले लेते, देखो ये ऑक्सीजन 1 ये 2 और ये 3, 1 2 3, जैसे हीट करेंगे 1 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 के बीच नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये CH3 ये CH, सॉरी 4 बॉन्ड बन गए पहले से, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में दे देगा, तो ये बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल था वहाँ सिंगल, और ये CH के साथ COOET, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस CH2 को, तो ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं दिया है, आप सबके IUPAC नोमेनक्लेचर दे सकते हो, गुड लक।